नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन के बारे में। सबसे पहले हम एक बेसिक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार हम रजिस्टर्ड ट्रांसफर लैंग्वेज की मदद से बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को हम तीन बातों से समझा सकते हैं। पहला, उसके इंटरनल रजिस्टर्स, टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट, और तीसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि वो इस्तेमाल करता है। डिजिटल सिस्टम के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन जो कि वो अपने रजिस्टर में स्टोर जो डेटा है उन पर परफॉर्म कर सकता है। किसी भी जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर या कोई भी जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। इसके अलावा कंप्यूटर को ये भी इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि इन माइक्रो ऑपरेशंस को किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाए, जिसे हम प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को बता सकते हैं कि प्रोसेस किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को यह बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस डेटा पे करना है और किस सीक्वेंस में करना है। रजिस्टर में स्टोर जो डेटा है उसकी जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उसे हम दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला, हम सेम प्रोग्राम में डेटा की वैल्यू बदल दें या फिर सेम डेटा के लिए नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन एक ऐसा बाइनरी कोड होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि माइक्रो ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डेटा है ये दोनों ही मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं। जब भी कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पहले उस इंस्ट्रक्शन को वो रीड करता है। रीड करने के लिए वो किसी स्पेसिफिक कंट्रोल रजिस्टर जिसे कि हम एक्यूमुलेटर कह सकते हैं वहां पे पहले उस इंस्ट्रक्शन को लाता है, फिर वो इस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और साथ में फिर उसको एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन को इशू करने के बाद। यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंट्रोल यूनिट है वो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करती है। आइए इस बात को हम समझते हैं कैलकुलेटर के उदाहरण के माध्यम से। जैसा कि हम एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है कैलकुलेटर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन। तो ये जितने भी ऑपरेशन वो यूनिकली परफॉर्म कर सकता है ये हुए उसका इंस्ट्रक्शन सेट। अब आप वो इंस्ट्रक्शन तो है उसके पास, यानी कि उस एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए जो भी सर्किटरी है वो उसके पास है, लेकिन जो यूजर है वो बताता है कि किस समय पर कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है या फिर वो किस सीक्वेंस में करना है। इसके अलावा अलग अलग तरह के कैलकुलेटर होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरीके के कंप्यूटर होते हैं और हर कंप्यूटर के अलग तरह के इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। जैसे हमने एक बेसिक कैलकुलेटर देखा तो बेसिक कैलकुलेटर में मैथमेटिक्स के सारे अर्थमेटिक सारे ऑपरेशंस होते हैं, जबकि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें उसका इंस्ट्रक्शन सेट और ज्यादा होता है, यानी कि वो मॉड और एक्सपोनेंशियल, लॉग, इस तरह के ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकता है। तो जिस तरीके से दो अलग अलग तरह के कैलकुलेटर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो यानी कि वो उसका इंस्ट्रक्शन सेट हुआ। इसी प्रकार कंप्यूटर के भी
अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इंस्ट्रक्शन कोड ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ये एग्जांपल है 16 बिट इंस्ट्रक्शन कोड का, जिसमें 0 से लेकर 15 तक बिट हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन कोड दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला पार्ट है ऑपकोड, दूसरा है एड्रेस। ऑपकोड पार्ट ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन कोड एग्जीक्यूट करना है, और ये एड्रेस पार्ट या तो ऑपरेंड बताता है यानी कि जिस डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, या फिर मेमोरी में उस ऑपरेंड या डेटा की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि इस एग्जांपल में ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन कोड है, दो पार्ट में डिवाइड है, ऑपकोड और एड्रेस। ऑपकोड यहां 4 बिट का है, यानी कि बाइनरी बिट्स हैं, तो 2^4 यानी 16 यूनिक कॉम्बिनेशन ये बता सकता है, 00000001 0010, इस तरह के से ये ऑल 1111 तक 16 कॉम्बिनेशन है। इन ऑपकोड को पढ़ के कंप्यूटर ये पता लगा सकता है कि ये इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने को कह रहा है। ये जो 16 कॉम्बिनेशन हैं, ये इसके इंस्ट्रक्शन सेट हैं, यानी कि इन्हीं इंस्ट्रक्शन को ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में ये ऑपकोड के कॉम्बिनेशन को पढ़ के कंट्रोल यूनिट ये पता लगा सकती है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये 12 बिट 0 टू 11 तक ये बता सकती है कि ये ऑपरेंड यानी कि जिस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका मेमोरी में लोकेशन कहां है। यहां पे ये आप एग्जांपल देखिए, ये एक मेमोरी है 4096x16। 4096 का मतलब हुआ यहां पे 4096 लोकेशंस हैं इसमें, और इस 16 का मतलब हुआ हर लोकेशन 16 बिट का एक डेटा को होल्ड कर सकती है। तो यहां पे चूंकि ये 12 बिट्स हैं एड्रेस की, तो यहां पे 2^12 यानी ये इंस्ट्रक्शन 4096 यूनिक लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी प्रोसेसर को खरीदते हैं या कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो बताता है कि ये कितने जीबी रैम तक को सपोर्ट कर रहा है, यानी 4 GB लिखा है तो 4 GB तक को ही सपोर्ट करेगा। उसमें अगर आप 6 GB रैम ऐड कर दें, जो कंप्यूटर या प्रोसेसर 4 GB रैम को सपोर्ट करता है, तो वो 2 GB रैम एक्स्ट्रा जो है 4 GB से ऊपर वो अनयूज्ड ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट में जो एड्रेस पार्ट है वो सिर्फ उतने ही 4 GB लोकेशंस को ही यूनिकली स्पेसिफाई कर सकता है, उससे आगे के लोकेशंस को वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा। तो यही इसका लिमिटेशन होता है। इसीलिए जब आप किसी प्रोसेसर या कंप्यूटर को खरीदते हैं, तो आपको पहले ही बता देता है कि वो कितने जीबी रैम को या मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है। तो आइए हम अपने एग्जांपल में दोबारा लौट के आते हैं। ये ऑपकोड यानी कि ऑपरेशन कोड 4 बिट्स का है, तो 4 बिट्स की 16 यूनिक कॉम्बिनेशन हुए, जैसे 0000 यहां पे सब्ट्रैक्शन है, 0001 यहां पे एडिशन है, इस तरीके से यहां पे 16 ऑपरेशंस होंगे। ऐसे ही यहां पे 0000 12 जीरोस, फिर 11 जीरोस फॉलोड बाय 1, ये इस तरीके से यूनिक 4096 लोकेशंस हैं। ये जो मेमोरी है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन पोर्शन में प्रोग्राम स्टोर होता है, और ये दूसरे वाले ऑपरेंड में डेटा स्टोर होता है। डेटा कौन सा? डेटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये कोई इंस्ट्रक्शन डिकोड कैसे होता है? जब भी ये मेमोरी में कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर रजिस्टर में जाते हैं। प्रोसेसर रजिस्टर जैसे कि यहां पे एक्यूमुलेटर है, यहां पे गए, तो कंप्यूटर जो उसका कंट्रोल यूनिट है वो इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड में वो देखता है कि शुरू की 4 बिट जो है ये क्या कह रही है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने को कह रही है, और किस ऑपरेंड पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
तो जब ये ऑपरेशन कोड के वो पढ़ता है तो माना 0000 लिखा है यहां पर, तो यहां पर माना कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए जिस जिस सर्किट को इनेबल करना है माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल यूनिट उन सर्किट्स को इनेबल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल भेजता है। तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ना सिर्फ ये बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट ये भी बताता है किस ऑपरेंड पे करना है, यानी कि वो डेटा जिस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन ये भी कंप्यूटर को बताता है कि वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट कहां पे स्टोर करना है। आइए अब हम स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीका है कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें एक प्रोसेसर रजिस्टर होता है जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। यहां पे है ये प्रोसेसर रजिस्टर एक्यूमुलेटर। इस एग्जांपल में हमने एक 16 बिट का इंस्ट्रक्शन कोड लिया है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, ऑपरेशन कोड और एड्रेस पार्ट। तो जो ऑप कोड है वो 4 बिट का है, यानी कि 16 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को ये पॉइंट कर सकता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। और ये 12 एड्रेसेस मेमोरी में 4096 डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जिस डेटा पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो जब भी कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को या किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वह इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठकर इस प्रोसेसर रजिस्टर में आता है जहां ये डिकोड होता है। डिकोड होता है यानी कि यहां पर कंट्रोल यूनिट इसके ऑप कोड को पढ़ती है, यानी ऑपरेशन कोड कि कौन सा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है और किस डेटा पे करना है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिस पे आपको इस एड्रेस पार्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट एसी, यानी कि एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट है इस वक्त 16 बिट के उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इंस्ट्रक्शन ही बता दे रहा है, ऑपरेशन ही बता दे रहा है कि ऑपरेंड की लोकेशन क्या है। इंस्ट्रक्शन अगर इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लीमेंट एसी, यानी कॉम्प्लीमेंट करो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, ये इंस्ट्रक्शन ही बता दे रहा है कि जो हमारा ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस में आपको इस एड्रेस पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे और भी कई इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम बात करते हैं क्लियर एसी, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्लियर कर दो। इंक्रीमेंट एसी, यानी कि जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है उसे इंक्रीमेंट कर दो। और भी कई सारे ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें यह इंस्ट्रक्शन कोड, ये एड्रेस पार्ट, इंस्ट्रक्शन कोड का एड्रेस पार्ट ऑपरेंड का एड्रेस को स्पेसिफाई नहीं करता, जबकि वो यहां पे ऑपरेंड को ही स्टोर करता है। इसका मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिस डेटा पे, वो डेटा ही यहां पे स्टोर्ड है, ना कि उसका एड्रेस। तो इस मोड को हम इमीडिएट मोड कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा मोड है डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में ये जो एड्रेस पार्ट है ये मेमोरी में उस लोकेशन का एड्रेस बताता है, 12 बिट का एड्रेस, जहां पे वो ऑपरेंड यानी कि डेटा स्टोर्ड है। इसी तरीके से एक मोड है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में ये जो एड्रेस पार्ट है मेमोरी के उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है जो कि जहां पर ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस स्टोर किया जाता है। चलिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमने देखा कि ये जो एड्रेस पार्ट है ये मेमोरी में उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर रहा है जहां पर ऑपरेंड यानी कि जिस डेटा पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका एड्रेस है। और इनडायरेक्ट एड्रेस में ये जो एड्रेस पार्ट है उस लोकेशन का एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है जहां पर ऑपरेंड का एड्रेस स्टोर्ड है। लेकिन अब ये पता कैसे लगे कि ये डायरेक्ट मोड है कि इनडायरेक्ट मोड है?
तो इस इंस्ट्रक्शन कोड में, जैसे 16 बिट का ये इंस्ट्रक्शन कोड है, ये 12 बिट्स हमने एड्रेस के लिए रिजर्व कर दी, ये 3 बिट 12, 13, 14 हमने ऑपरेशन कोड के लिए रिजर्व कर दिया, और ये 15 बिट ये हमने मोड सिलेक्शन के लिए स्टोर कर दी। अब यहां पे चूंकि 3 ही बिट है ऑप कोड की, तो 2^3 यानी कि सिर्फ 8 माइक्रो ऑपरेशंस को ये स्पेसिफाई कर सकता है। ये 15 बिट जो कि आई यानी मोड सिलेक्शन बिट है, अगर ये बिट 0 है तो ये डायरेक्ट मोड है, और ये अगर 1 है तो ये इनडायरेक्ट मोड है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से अब इसको समझते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग के एग्जांपल में ये इंस्ट्रक्शन कोड है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जीक्यूट होने के लिए एक्यूमुलेटर में गया, एक्यूमुलेटर में ये डिकोड हुआ, कंप्यूटर ने कंट्रोल यूनिट ने पढ़ा, इसका ऑपकोड को पढ़ा, ऑपकोड में ये 3 बिट है, ये ऑपकोड बिट जो भी ये कॉम्बिनेशन था ये ऐड था, यानी कि उसको पता लग गया इन बिट्स को पढ़ने के बाद कि यहां एडिशन करना है। फिर इसने 15 बिट पढ़ी जो कि मोड बताती है, ये 0 है यानी कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब हुआ कि जो आपका एड्रेस पार्ट है ये मेमोरी में ऑपरेंड का एड्रेस बता रहा है, तो यानी कि ये मेमोरी लोकेशन है 257, तो मेमोरी में 457, तो मेमोरी की 457th लोकेशन में गया, और यहां पे जो भी ऑपरेंड है उस पे एडिशन परफॉर्म कर दिया। एडिशन के लिए आपको 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो एक नंबर हम एज्यूम करते हैं कि एक्यूमुलेटर में पहले से है, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लोकेशन मेमोरी की लोकेशन नंबर 457 पे जो डेटा है उसके साथ ऐड कर दिया, और जो रिजल्ट आया वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होने गया, कंट्रोल यूनिट ने देखा ऑपकोड, ऑपकोड से पता लग गया कि एडिशन करना है, और ये 15 बिट पड़ी जो कि मोड सिलेक्शन बिट है, ये 1 है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मोड में ये एड्रेस है। तो इसमें यहाँ पे एड्रेस पार्ट देखा 300, तो ये मेमोरी की 300 लोकेशन पे गया, यहाँ 1350 लिखा है, तो ये 1350 जो है ये इसका ऑपरेंड या डेटा नहीं है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये अगेन मेमोरी की उस लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है जहां पे ऑपरेंड स्टोर्ड है, तो ऑपरेंड यहां पे 1350 लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो ये एडिशन का पहला ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में पहले से है, दूसरा यहां पे इस लोकेशन को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 1350 पे है, इन दोनों को ऐड किया और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हम इमीडिएट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में जाना। अब आप सोचेंगे, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक्यूमुलेटर में आपने कहा कि एक ऑपरेंड पहले से ही स्टोर्ड है, तो ये एक्यूमुलेटर में आया कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्ट्रक्शन सेट में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन हो सकता है जिसने पहले मेमोरी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया हो। मूव टू एक्यूमुलेटर नाम का कोई हो सकता है इंस्ट्रक्शन हो, जिसके माध्यम से मेमोरी में जो डेटा है, पहला डेटा एलिमेंट्स को आपने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया हो।